गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि अपना समाजवादी विचारक कार्ल मार्क्स चल रहा था, कार्ल मार्क्स जो कि एक समाजवादी विचारक के रूप में जाने जाते थे, हमने स्टार्टिंग में यानी पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि हम कार्ल मार्क्स के बारे में क्या क्या अध्ययन करेंगे और हम यानी इनके कौन कौन से सिद्धांतों का हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम यानी शुरू करते हैं कार्ल मार्क्स की जीवनी के बारे में। यानी कार्ल मार्क्स एक साम्यवादी या समाजवादी विचारक के रूप में हमारे सामने कैसे उभरता रहे और उनके क्या कारण थे, यानी क्या है, हम सबसे पहले इसमें यानी मार्क्स की परिभाषा देंगे। इसमें उन्होंने यानी कार्ल मार्क्स के बारे में यानी उनकी उपयोगिता या उनके महत्व को दर्शाते हुए कहा था कि निष्पक्ष रूप से उस व्यक्ति के विषय में कुछ कहना बहुत अधिक कठिन हो जाता है जिसे लाखों व्यक्ति क्या करते हैं, ईश्वर की भांति पूछते हो और अन्य लाखों व्यक्ति पिशाच मानकर घृणा करते हो। यानी क्या है, हम कह सकते हैं कि कुछ लाखों व्यक्ति जो है वो उनकी पूजा करते हैं और कुछ व्यक्ति जो है उनका विरोध करते हैं। इसके साथ ही यदि मार्क्स के अध्ययन की आवश्यकता का प्रश्न उठाया जा सके तो इसकी आलोचनाओं से बचा जा सकता है। अगर हम मार्क्स की कार्ल मार्क्स की थ्योरी ना पढ़े तो क्या है, मैक्सी का कहना है कि हम उसकी आलोचना से बचे जा सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को कैसे बुलाया जा सकता है जिसने विचारों ने विश्व को दो शिविरों में बांट दिया। यही क्या है, हम उसका अध्ययन इस कारण नहीं छोड़ सकते कि उनको क्या है एक यानी उनके आलोचनाओं से बचने के लिए, लेकिन उनके इस महत्व को कैसे नकारा जा सकता है कि उन्होंने पूरे विश्व को दो भागों में बांट दिया। यानी क्या है, समाज को दो भागों में बांट दिया, पूंजीपति और श्रमिक, शोषक और शोषित। यानी उन्होंने क्रांति का न्याय प्रारंभ किया, उसने विचारों ने विश्व को प्रतिद्वंदी शिविरों में बांट दिया। प्रतिद्वंदी यानी विरोधी शिविर यानी क्या है, पूंजीपति और श्रमिक, जो कि उनकी साम्यवादी विचारधारा का मूल आधार है, ऐसा मैक्सी का कहना था। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति के संबंध में विचार करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि भावुकता को मस्तिष्क की खिड़की से बाहर निकालकर हम उसे यानी उसे समझने की चेष्टा की जाए। यानी हम ये ध्यान नहीं देंगे कि उनके कितने आलोचक है, या कुछ लोग उन्हें ईश्वर की तरह मानते हैं, या कुछ लोग उन्हें पिशाच की तरह मानकर उनसे घृणा करते हैं, या ये वो क्या थे। यानी उनकी आलोचनाओं से बचने के लिए हम उनके साम्यवादी की थ्योरी को नहीं छोड़ सकते। इसके साथ ही मैक्सी ने कहा कि उन्होंने क्या है विश्व को दो प्रतिद्वंदी शिविरों में बांट दिया। वो दो शिविर कौन से थे जो हमारे संपूर्ण अध्ययन का आधार रहेंगे, पूंजीपति और श्रमिक। तो हम यानी उनके अध्ययन को कैसे नकार सकते हैं, यानी हम क्या है भावुकता की यानी हम तो उसपे भावुकता की खिड़की से बाहर निकलकर हम जो सच्चाई है उसके बारे में अध्ययन करें, ऐसा व्यक्ति का कहना था। यानी इसका हमने पहला क्वेश्चन वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवादी के रूप में यानी प्रथम प्रवक्ता के रूप में ये क्वेश्चन हमने कर लिया था पिछली वीडियो में, प्रथम प्रवक्ता के रूप में। यानी इसके बाद इनको वैज्ञानिक समाजवाद की संज्ञा क्यों दी गई ये हमने पहले अध्ययन कर लिया, क्योंकि कार्ल मार्क्स से पहले भी जो समाजवादी विचारक थे उन्होंने साम्यवाद के संबंध में अपनी थ्योरी दी, लेकिन विस्तृत और व्यवस्थित रूप से इसे हमारे सामने यानी राजनीति विज्ञान को इसका योगदान किसको है, कार्ल मार्क्स को। यानी कार्ल मार्क्स को ही यानी समाजवाद के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने इसे क्रमबद्ध और व्यवस्थित बनाया। इसके साथ ही इनके साथ वैज्ञानिक जुड़ा हुआ है। आज हम चलेंगे यानी कार्ल मार्क्स की जीवनी के बारे में थोड़ा सा, वही उनका यानी बचपन कैसा था और वो यानी समाजवादी विचारक के रूप में कैसे विख्यात हुए। यानी कार्ल मार्क्स का जन्म क्या है, जर्मनी के ट्रिज नामक स्थान पर।
जर्मनी के त्रिजनावत स्थान पर एक यहूदी धर्म में हुआ था, लेकिन जब वह 6 वर्ष के थे तो उनके माता पिता ने क्या है यहूदी धर्म त्याग कर दिया है, इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और स्वाभाविक रूप से उनके यानी बच्चे यानी कार वास्ता कहेंगे वो भी इसी धर्म के अनुयायी हो गए, यानी उन्होंने यहूदी धर्म त्याग कर लिया। क्या है कार वास्ते यानी क्या है ईसाई धर्म। उनके माता पिता ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया तो यानी उनके बच्चे भी आगे क्या है ईसाई धर्म के अनुयायी बन गए। इसके साथ ही मार्क्स की प्रारंभिक शिक्षा उनके यानी जो आगे उनके ससुर थे उनके और क्या है उदारवादी विचारक वेस्टफेलर, जिसका हम जिक्र आगे भी करेंगे। उदारवादी विचारक यानी उनकी शिक्षा उनके यहाँ हुई और उसके पश्चात उन्होंने क्या है यानी मार्क्स बहुत ही तीव्र बुद्धि वाले बालक थे और पीड़ित वर्ग के प्रति उनके मन में सदैव से ही सहानुभूति थी, यानी क्या श्रमिक वर्ग या शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति थी और राज्य की बढ़ती हुई शक्तियों को वो भय की दृष्टि से देखते थे। इसके साथ ही 17 वर्ष की आयु में उन्होंने बाल विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की और क्या है इसके साथ ही उन्होंने कानून के शुष्क विषय को छोड़ दिया, उसकी जगह दर्शन और इतिहास का अध्ययन प्रारंभ कर दिया, यानी कानून का विषय उन्होंने क्यों त्यागा एक शुष्क विषय होने के नाते और उसके बाद उन्होंने इतिहास और दर्शन शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही आगे उन्होंने जैना विश्वविद्यालय में इन्हीं विषयों का अध्ययन किया इतिहास और दर्शन शास्त्र का और उन पर वे अपने कई निबंध भी लिखे और इसके साथ ही उसने यानी शोषित वर्ग की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और मार्क्स की इच्छा विश्वविद्यालय में क्या थी अध्यापक पद प्राप्त करने की थी, किंतु उनके विश्वविद्यालय में उनके प्रति सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों के प्रति यानी क्या है शासन विरोधी नीतियों के कारण उनको अध्यापन कार्य से निष्कासित होना पड़ा और उसके पश्चात प्राध्यापक पद प्राप्त करने के उनके अवसर समाप्त हो गए। इसके पश्चात यानी वो क्या है रिंचे जीतू रिंचे रीतु समाचार पत्र का जो कि यानी उदारवादी और क्या है प्रजातांत्रिक समाचार पत्र था इसके वे संपादक बन गए और शीघ्र ही उन्होंने एक प्रभावशाली राजनीतिक पत्रकार की ख्याति प्राप्त कर ली, किंतु उनके क्रांतिकारी जो विचारक थे और राज्य विरोधी जो विचार थे उनके कारण क्या है उनके अधिकारियों को उसके अपना विरोधी बना लिया और उसके पश्चात वह रिंचे जीतू का संपादन बंद करना पड़ा और बेकारी के इस काल में उन्होंने कई देशों की यात्रा की जैसे इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी और अमेरिका आदि देशों के इतिहास तथा कल्पनावादी समाजवादी साहित्य इत्यादियों का और रचनाओं का गहराई से अध्ययन किया और इसके साथ ही प्रारंभ से ही मार्क्स और क्या है जो मैंने आपको यहाँ जिक्र किया था उदारवादी विचार वेस्टफेलिन की लड़की से उनका 35 वर्ष की आयु में ही विवाह हो गया जो कि एक उदारवादी विचारक थे और इसके साथ ही दोनों पेरिस चले गए और उसके पश्चात वहां भी उन्होंने तत्कालीन विरोधी विचारकों के कारण उन्हें वहां भी से भी समाचार पत्र का जो उनका कार्य था उसे निष्कासित कर दिया गया और उसके पश्चात यानी वे मार्क्सवादी जो विचारक थे प्रोधा और बाकुनिन इनके संपर्क में आए और उनका उन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही 1845 में मार्क्स के जीवन को में उन्हें विभिन्न विपत्तियों का सामना करना पड़ा और वे इंग्लैंड पहुंचे और अंतिम क्षण तक उन्हें वहीं रहना पड़ा। इसके पश्चात यानी उनकी मृत्यु सॉरी उनकी यानी मित्रता किससे हुई एंजिल्स से हुई जो कि धनाढ्य
ये आप ये जान सकोगे 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र एलजीएस के सहयोग से। कार्ल मार्क्स और एलजीएस ने साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया और वहीं से इनकी साम्यवादी विचारधारा ने यानी गहनता प्राप्त कर ली और वे आगे बढ़े और मार्क्स के द्वारा इस साम्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन धनिक वर्ग को संगठित करने का कार्य भी किया। धनिक नहीं श्रमिक वर्ग को संगठित करने का कार्य किया और 1845 में उन्होंने यह इससे संबंधित यानी श्रमिक वर्ग के संगठन के लिए एक पत्रिका या रचना का भी प्रकाशित किया जो श्रमिक वर्गों को संगठित करने का जिन्होंने कार्य किया। और इसके साथ ही 1864 में मार्क्स ने लंदन में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग का समुदाय इसका अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग का समुदाय अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग का समुदाय यानी पहले उन्होंने अपने देश के श्रमिकों के लिए संगठन या एजेंसी का गठन किया और उसके पश्चात उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग का समुदाय यानी उनका बाद में जो नारा प्रसिद्ध हुआ विश्व के मजदूरों एक हो जाओ यहीं से उसकी शुरुआत हुई। और उन्होंने आगे 1843 ईस्वी में यानी पूंजीवाद का यानी 1843 ईस्वी तक वे पूंजीवाद के अंत करने के लिए संघर्ष उनके जीवन में चलता रहा और इसके पश्चात 1883 तक उनका यानी देहावसान हो गया उनकी मृत्यु हो गई और उसके पश्चात जीवन में यानी उनके शोक संदेश पर उनका जो मित्र था और उनके जो धन की सहायता की थी जिन्होंने उसके साम्यवाद को आगे बढ़ाया था वो कौन थे एनजीएस थे और एनजीएस ने उनके शोक संदेश पर कुछ पंक्तियां इस प्रकार लिखी थी कि जीवन में उनका उद्देश्य प्रत्येक तरीके से पूंजीवाद समाज के अंत करने का प्रयत्न था क्योंकि पूंजीवाद का अंत करने का उनका प्रमुख लक्ष्य ये था कि उन्होंने यानी अधिक जमीनें हड़प कर और जो किसान वर्ग है उनको बहुत कम जमीन मिली या मिली ही नहीं उन पर क्या है अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए और शोषक के रूप में अपनी भूमिका बना ली और श्रमिक वर्ग को भूमिहीन कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने संघर्ष अपने जीवन का मुख्य तत्व था क्या था उनके संघर्ष के जीवन का मूल उद्देश्य पूंजीवाद का अंत कर और श्रमिक वर्ग की विजय उनका जीवन का प्रमुख लक्ष्य था। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे अदम्य उत्साह साहस और सफलता से संघर्ष किया यानी उनकी विचारधाराओं को उनके लेखों का प्रकाशनों का रचनाओं का और क्या है समाचार पत्र का काफी विरोध भी हुआ और उन्हें देश छोड़कर जाना भी पड़ा लेकिन इन विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने साम्यवादी विचारधारा का साथ नहीं छोड़ा और पूंजीवाद का विरोध करने से वे नहीं हटे। इसके साथ ही उन्होंने क्या है अपने समय का सबसे अधिक घृणा और श्रद्धा का पात्र व्यक्ति था और उसका नाम और कार्य युग युग तक जीवित रहेगा। कौन वो कौन थे कार्ल मार्क्स ही थे यानी उन्होंने क्या आलोचनाओं के पात्र भी रहे और उनकी प्रशंसा भी की गई और उनका नाम और कार्य क्या है युग युग तक जीवित रहेगा यानी क्या है उनकी जो थ्योरी थी साम्यवाद जिसने उन्होंने श्रमिक वर्ग के हित की बात की उसमें क्या है यानी वर्तमान का जो लोक तत्व है या लोक कल्याणकारी राज्य है वर्तमान में भी उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। इस प्रकार यानी हमने कार्ल मार्क्स की यानी जीवन परिचय के बारे में जाना और कैसे वे साम्यवादी विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाया इसके बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद हम आगे करेंगे कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत। अब हम प्रत्येक सिद्धांत को डिटेल से पढ़ेंगे यानी फर्स्ट ईयर क्लास में तो आपने सीधे सिद्धांत भी याद किए थे आज हम जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है तो उसका अर्थ पढ़ेंगे उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे और उसकी आलोचनाओं का अध्ययन करेंगे और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है इसका अध्ययन करेंगे। जैसे
मोती ग्वार। इसमें पाश्चात्य विचार ईगल भी इससे ही संबंधित है, गर्भात्मक भौतिक वाद और दूसरा हम पढ़ेंगे सिद्धांत इतिहास की आर्थिक व्याख्या या नियति वाद का सिद्धांत, आर्थिक व्याख्या या नियति वाद का सिद्धांत। इस प्रकार सभी सिद्धांतों के बारे में यानी मैंने आपको स्टार्टिंग पिछले वीडियो में कर दी थी और आज हम डिटेल से पढ़ेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। आलोचनात्मक विवेचन कीजिए इस प्रकार यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में हम पाश्चात्य विचार हीगल का जिक्र करेंगे, इसके साथ ही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अलग अलग अर्थ भी इसमें हम पढ़ेंगे। जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स के विचारों का मूल आधार है यानी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसके अनुसार विश्व की सभी समस्याओं के समाधान में यह हमारा पथ प्रदर्शन करता है। यानी ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और संपूर्ण साम्यवाद की आधारशिला कह सकते हैं, और इसके साथ ही यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को यानी यह है सभी समस्याओं के समाधान में ये हमारा पथ प्रदर्शन करता है। यानी हम कह सकते हैं कि सभी समस्याओं के बारे में हमारा हमारा पथ प्रदर्शन करता है यानी मार्गदर्शन करता है। इसको हम यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को वाद प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से समझेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी ये दो शब्द है, एक तो द्वंद्वात्मक और दूसरा भौतिकवाद। इसमें प्रथम शब्द तो उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिनके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है यानी द्वंद्वात्मक। द्वंद्व चलता है, इसको हम आगे गेहूं के दृष्टांत से समझाएंगे। इसके आगे ही यानी जिसके अनुसार सृष्टि का निरंतर विकास हो रहा है वह है द्वंद्वात्मक, और उसके आगे दूसरा तत्व सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है वो है भौतिकवाद। अब हम आते हैं द्वंद्वात्मक प्रक्रिया कार्ल मार्क्स की क्या है, इसमें हम हेडिंग डालेंगे द्वंद्वात्मक प्रक्रिया। यानी ये जो द्वंद्वात्मक प्रोसीजर है क्या द्वंद्वात्मक प्रक्रिया, यानी दो जो चीजें हैं जैसे हम गेहूं के दाने से समझाएंगे और भूमिका दोनों में क्या रहता है द्वंद रहता है। गेहूं का दाना और दूसरा क्या है भूमिका उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया, इनमें क्या है द्वंद चलता है। तो इसको हम वाद प्रतिवाद और संवाद इन तीनों के माध्यम से हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रक्रिया को यानी समझेंगे वाद प्रतिवाद और संवाद। पहले इसको सामाजिक दृष्टिकोण से समझेंगे फिर उसको गेहूं के दाने के दृष्टांत से समझेंगे। तो इस प्रकार यानी मार्क्स के अनुसार समाज की एक साधारण स्थिति यानी समाज में कोई अंतर विरोध नहीं है, समय के चल रहा है, तो समाज की एक साधारण स्थिति क्या है वाद है और जिसमें कोई अंतर विरोध नहीं पाया जाता, और इसके बाद वाद से असंतुष्ट होकर उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप प्रतिवाद उत्पन्न होता है जो कि हमारा दूसरा है, और प्रतिवाद के बाद तीसरा अंग है वो है हमारा संवाद। इसमें क्या है प्रतिवाद में भी अंतर विरोध चलता है अथवा क्या है प्रतिवाद का भी प्रतिवाद उत्पन्न होता है। इस प्रकार दो प्रतिवादों के संयोग से संवाद की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार वाद प्रतिवाद और संवाद चलता रहता है। यानी क्या है वाद प्रतिवाद और संवाद को हम यहाँ समाज के दृष्टिकोण से समझाएंगे। यानी क्या है समाज की साधारण स्थिति जो है
अंतर विरोध नहीं होता। उसके बाद यानी क्या है, समाज में यानी उसके विरुद्ध अंतर विरोध उत्पन्न होता है, यानी क्या है, समाज का भी प्रतिरूप दूसरा प्रतिरूप उत्पन्न होता है और क्या है उसमें समस्या उत्पन्न होने लगती है और प्रतिवाद उत्पन्न होता है। इस प्रकार आगे प्रतिवाद का भी प्रतिवाद उत्पन्न होता है, इसको हम कहते हैं संवाद। यानी इस प्रकार वाद एक साधारण स्थिति है समाज की, उसमें कोई अंतर विरोध नहीं होता। फिर धीरे धीरे उसमें क्या है, यानी वाद से असंतुष्ट व्यक्तियों में प्रतिवाद उत्पन्न होता है। यानी जो समाज की साधारण स्थिति है कुछ उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि संतुष्ट नहीं होते, तो असंतुष्ट व्यक्तियों से प्रतिवाद उत्पन्न होता है, फिर प्रतिवाद का भी प्रतिवाद उत्पन्न होता है। इस प्रकार हमारे तीसरा पॉइंट ये संवाद हमारे सामने उभर कर आता है। इस प्रकार वाद प्रतिवाद और संवाद की यह प्रक्रिया चलती रहती है और इसी पॉइंट को हम गेहूं के दाने से समझाएंगे। वाद प्रतिवाद और संवाद की स्थिति को, जैसे वाद क्या है, जैसे हम गेहूं का दाना लीजिए और क्या है उसके यह दाना क्या है वाद है और भूमि में बो देने के पश्चात उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया आरंभ हो जाएगी। यानी प्रतिक्रिया आरंभ होना किसको दर्शाता है, प्रतिवाद। यानी भूमि यानी गेहूं के दाने से हमने दृष्टांत से समझाया है, उसमें क्या है गेहूं का दाना क्या है वाद है, उसको भूमि में बो देने के पश्चात भूमि की उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया शुरू होती है, तो वो हमारी प्रतिक्रिया क्या है प्रतिवाद है। यानी उसमें कोई अंतर विरोध नहीं होता। धीरे धीरे क्या है यानी पौधे का उगना और उगकर उसमें बाली का आना और बाली का सूखकर नष्ट हो जाना किसकी स्थिति है, संवाद। इस प्रकार यानी फिर हमारे पास एक गेहूं का दाना आ जाएगा और ये सामान्य प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार वाद प्रतिवाद और संवाद निरंतर चलता रहता है। यही हमारा क्या था यानी कालवास का प्रथम सिद्धांत, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, यानी दंडात्मक भौतिकवाद। जैसे नाम से स्पष्ट है कि दो यानी संघर्ष चलता रहता है समाज में, और समाज को कालवास ने गेहूं के दाने के दृष्टांत से समझाया है। तो उसने क्या कहा, ये जो साम्यवाद है समाजवाद है वो क्या है सभी समस्याओं के बारे में हमारा पथ प्रदर्शन करता है, यही सबसे पहला तो इसका यही होगा। और दूसरा क्या है, हम इसको दंडात्मक प्रक्रिया को वाद प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से, ये तीन पॉइंट आप ध्यान रखना, वाद प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से समझ सकते हैं मार्क्स के दंडात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को। यानी क्या है, वाद समाज की साधारण स्थिति है जिसमें कोई अंतर विरोध नहीं पाया जाता, कोई संघर्ष नहीं पाया जाता, लेकिन इस समाज में कुछ विरोधी व्यक्ति है, असंतुष्ट व्यक्ति होते हैं जिससे यानी प्रतिवाद उत्पन्न होता है और फिर प्रतिवाद का भी प्रतिवाद उत्पन्न होता है। तो इससे ये हमारा तीसरा पॉइंट संवाद बनकर सामने आता है। इस प्रकार वाद प्रतिवाद और संवाद ये प्रक्रिया निरंतर समाज में चलती रहती है और इसी प्रक्रिया को कार्ल मार्क्स ने गेहूं के दाने के दृष्टांत से समझाया है। यानी क्या है, गेहूं का दाना वाद है, यानी जब तक उसको हम भूमि में बो देंगे तो उसमें कोई प्रतिवाद उत्पन्न नहीं होगा। यानी क्या है, भूमि गेहूं की दाने की यानी भूमि के विरुद्ध प्रतिक्रिया होगी तभी वो उगेगा। यानी क्या है, प्रतिक्रिया होना आवश्यक है, तो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यानी हमारा दूसरा क्या है प्रतिवाद उत्पन्न होता है। इसके साथ ही यानी बीज का गलकर नष्ट होना और पौधे का उगना बाली का आना सूखकर नष्ट हो जाना ये क्या है संवाद की स्थिति है। इस प्रकार वाद प्रतिवाद और संवाद चलता रहता है। अगले वीडियो में हम करेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना। धन्यवाद।